नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून प्रेस क्लब में स्वर्गीय विनोद बर्थिया की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा मानव विकास ट्रस्ट द्वारा संचालित गोष्ठी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश अग्रवाल सहित कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना पहुंचे। जहां कृषि मंत्री ने विनोद बर्थियाल के योगदान को अभूतपूर्व बताया, तो वहीं कांग्रेसी नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में विनोद बर्थियाल के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। विनोद बर्थियाल जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने राजनीति में अपनी संभावनाओं को देखने के बावजूद, काफी उनकी संभावनाएं इस राज्य में थी, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी में बने रहना, ये बहुत कम लोगों में दिखता है कि भविष्य की संभावनाओं को नकारते हुए किसी विचारधारा से वह जुड़कर उस पर लगातार चलना, ये बहुत बड़े उनके अंदर की खूबी थी और जिसपे उनको हमेशा उत्तराखंड में याद किया जाएगा। एक बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व था और हमेशा उत्तराखंड के हितों में लड़ाई लड़ना, ये उनके एक विशेषता रही है। हमारे राजनीतिक गुरु और हमारे बड़े भाई और इस राज्य के कद्दावर नेता दिवंगत विनोद बर्थियाल जी की आज 62वीं जयंती थी। उनकी जयंती के अवसर पर हेमवती नंदन बहुगुणा मानव संसाधन विकास ट्रस्ट, जिसकी अध्यक्षा दिवंगत बर्थियाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती आभा बर्थियाल है, उनके आह्वान पर सब लोग, अलग अलग पॉलिटिकल विचारधाराओं के लोग एक मंच पर आए और एक मंच पर आकर के इस राज्य के बारे में जो बर्थियाल जी का चिंतन था, हिमालय विकास प्राधिकरण के बारे में जो उनकी सोच थी, राज्य का कैसे विकास हो और राज्य के साथ साथ जो पूरे देश के हिमालयी क्षेत्र हैं उन हिमालयी क्षेत्रों को एक करके कैसे पिरोया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने चिंता करी। सर्वदलीय राज्य आंदोलन संगठन के जिलाध्यक्ष पूरन पाठक के नेतृत्व में कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर के 119 आंदोलनकारियों ने तहसील में प्रदर्शन किया। वह आंदोलनकारियों का कहना था कि उच्च न्यायालय द्वारा आंदोलन के समय सभी आंदोलनकारियों के पक्ष में फैसला दिया गया, साथ ही उन्होंने सभी आंदोलनकारियों को सभी सुविधाएं दिए जाने की मांग की। दस्तावेजों को न्यायिक आदेश के अनुसार देखें और उन दस्तावेजों पर फाइनल अपनी वो मुहर लगाते हुए आंदोलनकारी को पहचान प्रमाण और उनका जो अभी तक की सुविधाएं रोकी गई थी वो तत्काल जारी करें। ये संदेश हमने मीडिया के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा और न्यायिक आदेश के द्वारा प्रशासन को देना है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए नेशन वन के साथ। पनपता रोष, कहाँ है जनप्रतिनिधि, कौन उठाएगा आपके सवाल, हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज, सिर्फ नेशन वन पर। समस्त देश व प्रदेशवासियों को उत्तरायणी मेला वर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रंजना राजगुरु, IAS, संरक्षक जिला अधिकारी बागेश्वर। श्रीमती गीता रावल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बागेश्वर। समस्त मेलार्थियों, क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं को उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति, नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चंदन रामदास, विधायक विधान क्षेत्र बागेश्वर। समस्त मेलार्थियों, क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं को उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति, नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत कुमार, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड। समस्त मेलार्थियों, क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं को उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति, नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैसर्स SS कारपोरेशन, किरोली सोप स्टोन माइंस, झाटकोट जनपद बागेश्वर। उपेंद्र शुक्ला, जनसंपर्क अधिकारी। समस्त मेलार्थियों, क्षेत्रवासियों व श्रद्धालुओं को उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति, नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर में बाहर से आए महिला व्यापारी के साथ छेड़छाड़ और चोरी की घटना सामने आई है। पीड़ित व्यापारी बबीता रायपी के मुताबिक उनकी दुकान से 1,40,000 की रकम और आधा तोला सोना चोरी हुआ है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। 22 की रात में भोटिया मार्केट, जो उत्तरायणी के पर्पल लगा हुआ था, उसमें एक धार चूल्हा से बबीता रायपा आई हुई थी। रात में लगभग 2 बजे उनके यहाँ चोरी होना प्रकाश में आया, तो हम लोग तुरंत ही, जैसे ही सूचना मिली, वहाँ मौके पर गए
उससे पहले वो चोर के पीछे वो लोग भागे हुए थे, फिर बाद में काफी खोजबीन की लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। वो बाद में सफल नाम होकर उसे एक पर्स ले गया उनका बैग, उसमें 1,40,000 कैश थे और आधा तोले सोने के टॉप्स उनके द्वारा बताया गया। तो हमने कल ही 22 तारीख में ही हमने उसमें FIR पंजीकृत कर दिए 457-380 में, और हम अलग अलग तीन तीन टीमें बनाकर उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही उसको अज्ञात चोर को पकड़ने में सफल रहेंगे। उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का राष्ट्रीय सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट में चयन हुआ है। इस टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 26 से 29 जनवरी को वाराणसी के फूलपुर मैदान में किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड सहित हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्य की टीमें हिस्सा लेंगी। देखिए जिस प्रकार से ये सब फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांग लोग हैं, समाज के वो लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, घरों में अपनी इच्छाएं ना मार करके स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसी के प्रयास में हमने जो है उत्तराखंड राज्य में पैरा स्पोर्ट्स एज वेल एज क्रिकेट के माध्यम से अपने पैरा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और हमारे बच्चे जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे और बाहर के राज्यों के साथ खेलेंगे तो अपने आप को तभी पता चलेगा कि हम क्या हमारा स्टैंडर्ड है और हमें क्या करना है। तो एक हमारा प्रयास है उत्तराखंड फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नेशनल सुपर 6 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश की टीमों के साथ हमारे उत्तराखंड राज्य की टीम खेलेगी। और उसमें हमने 14 खिलाड़ियों का चयन किया है उत्तराखंड राज्य से, चमोली से लेके उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर से और हमारे देहरादून चकरौता के हमारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमारे खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हैं। अभी तो सरकार का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें जो है हम जितने भी सारे खिलाड़ी हैं सब ऑन एफर्ट से जा रहे हैं, अभी सारे अपने खर्चे से इसमें जा रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार। पनपता रोष, कहाँ है जनप्रतिनिधि, कौन उठाएगा आपके सवाल, हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज, सिर्फ नेशन वन पर। देहरादून चाय बागान में हो रही प्लाटों की खरीद फरोख्त, सरकार की नाक के नीचे फलता फूलता अवैध कारोबार, भू माफिया बेच रहे हैं करोड़ों के प्लाट, आखिर किसकी सह के नीचे फल फूल रहा है यह कारोबार। नेशन वन करेगा इसका खुलासा, देखते रहिए नेशन वन।